हाय हेलो नमस्कार, वीआईपी ओल्ड गोई में आपका फिर से स्वागत है। आज जो एक हमारा सेकंड Q&A होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या ओल्ड कॉइन्स को बेचने के लिए सच में लाइसेंस चाहिए। इस बात का सबसे ये ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि सभी आपके साथ बहुत सारा फ्रॉड इसी के कारण होता है, इसी नाम के कारण होता है कि लाइसेंस फीस या लाइसेंस चाहिए, आपके पास लाइसेंस नहीं। तो कौन सा लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या इसकी चीज़ है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि लाइसेंस का इसमें क्या आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्लस हम जो ये 5 रुपये वाला नोट है, इसमें बेंगलोर की कीमत क्या है, ये सभी आपने सवाल पूछे हुए हैं, आपने कमेंट में सवाल पूछे, उन्हीं का जवाब है फटाफट में आज इन्हीं दो चीज़ों के। तो सबसे मेन टॉपिक चीज़ है ये कि लाइसेंस चाहिए ऑन बेचने के लिए। तो सबसे क्योंकि इस बात का विषय ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आप फटाफट इस चीज़ को ध्यान रखें, और आगे भी कभी भी अगर आपसे कोई लाइसेंस मांगता है, लाइसेंस फीस मांगता है, तो आप इस बात का उत्तर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको सबसे पहले मेन चीज़ जाननी चाहिए कि इसमें अगर आप समझो कि भारतीय भारत में लगभग 1 करोड़ भी मान सकते हैं, 1 करोड़ मान सकते हैं आराम से, या आप इनसे कम मान सकते हैं, 1 करोड़ लोगों के पास ओल्ड कॉइन्स किसी न किसी प्रकार के होगा, क्योंकि हर दादा परदादा के पास वो ओल्ड कॉइन होते हैं, वो अपने ओल्ड नोट मान लो। तो इस तरह इतने बहुत से लोगों के पास ओल्ड कॉइन्स होते हैं, ओल्ड नोट होते हैं, तो ये सभी लाइसेंस बनेंगे। ऐसे लाइसेंस बनने लगे तो जब भी लाइसेंस अथॉरिटी ऑफिस खुलेगी, वहाँ पर तो लंबी लाइनें लगेंगी कि मुझे भी कॉइन बेचने लाइसेंस चाहिए या ऑनलाइन चाहिए। कभी आपने नाम सुना है कि ऑनलाइन लाइसेंस बना रहे हैं हम ओल्ड कॉइन्स? कोई लाइसेंस नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, ये आपको सिर्फ ये ठगने के लिए एक बहाना लोगों ने बना रखा है कि लाइसेंस फीस चाहिए, या आपको हम डरा धमका के कि लाइसेंस बिना आप कैसे बेच सकते हैं, इस प्रकार का ये लाइसेंस का एक इश्यू ना आपके नाम साथ लेते हैं। तो कोई लाइसेंस नहीं होता है, आप इस बात का विषय ध्यान रखें, कोई भी नोट या कॉइन्स कितनी भी, एक साथ कॉइन्स कितने भी बेच सकते हो, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आपको, इस बात का विषय ध्यान रखना। अगर आगे कोई भी पूछे तो सर कहता अपना लाइसेंस दिखाएं, ऐसी कोई लाइसेंस अथॉरिटी नहीं है इंडिया के मान इंडिया में कि आप ओल्ड कॉइन्स के लिए एक अलग से लाइसेंस अथॉरिटी हो। तो इस बात का विषय जानेंगे, कोई भी ओल्ड कॉइन बेचें तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात हम अगर करें तो इस ओल्ड जो ट्रैक्टर वाले 5 रुपये की, इसकी बेंगलोर में क्या कीमत है? तो आप इसको बेंगलोर में मानो या भारत के किसी भी राज्य में मानो, इसकी कीमत आपको मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 500 या 1000 के बीच में इसकी कीमत रहती है, वो भी कई बार नहीं रहती अगर आपके नोट बहुत ज़्यादा इसमें ये मानो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो 500 के अंडर भी बिकने के चांस रहते हैं। आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑफलाइन जो भी है, ओल्ड कॉइन्स में भी, लेकिन ये नहीं कि आप इसको 1000 करोड़, आप 2000 के भी मेरे हिसाब से इसको नहीं बेच सकते, या आपने 1000-1000 रुपए में बेचते, ऐसा कोई संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और भी आपके जो भी कमेंट है वो उठाएँ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो Q&A थ्रेड लाऊँ, उसमें आपका जवाब दें। तो इस बात का आपको पता चल गया कि ओल्ड कॉइन जो लाइसेंस मांगते हैं उनसे आप बच के रहें, उनमें कोई लाइसेंस नहीं होता, ना कोई लाइसेंस फीस दें, ध्यान रखें वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।